Good morning, everyone. Continuing with our next topic, product differentiation and market segmentation. Product differentiation का क्या मतलब होता है? Product differentiation दो words हैं, product and differentiation. Product का मतलब तो जो भी आप good जो है, जो आप present कर रहे हो consumer को, उसकी consumption के लिए. Differentiation का मतलब है कि उससे उस product को आप किस तरीके से different शो कर रहे हो अपने कस्टमर्स को जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनसे. तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये एक स्ट्रेटजी है जहां पर जो मार्केटर है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू वो ट्राई करता है कंज्यूमर्स को साइकोलॉजिकली मोल्ड करने की कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू दी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. ये इमेज साइकोलॉजिकली वो कंज्यूमर के माइंड में पुट करने की कोशिश करता है. और ये कि जो उसका प्रोडक्ट है सिर्फ वही जो नीड्स और वांट्स है कंज्यूमर की उसे सेटिस्फाई कर सकता है. अगर जो मार्केटर है वो सक्सीड हो जाता है कन्विंस करने में कंज्यूमर को कि उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है दूसरे अवेलेबल प्रोडक्ट से और बेटर है जो मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट उनसे, तो कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट खरीदेगा एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर. जैसे आप अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मैगी सॉस की आप देखते हैं, किसान सॉस की एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, देन कैप्टन कुक और टाटा सॉल्ट की आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. इसी तरीके से आप जो डिटर्जेंट बार्स होते हैं उनकी देखते हैं या फिर जो बेथिंग सोप्स होते हैं आप उनकी देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बात करें तो जो हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड है वो डिफरेंट बाथिंग सोप्स डिफरेंट ब्रांड्स नेम्स के अंदर प्रेजेंट करवा रही है. वो क्या है, जय, लक्स, हमाम, रेक्सोना, ये वेरियस कलर्स साइजेस फ्रेग्रेंसेस में आते हैं जबकि इनमें फिजिकली जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है कोई बड़ा फिजिकल ऑल्ट्रेशन नहीं करता है प्रोडक्ट में, बस वो उसका ब्रांड नेम, कलर, शेप, साइज चेंज कर देता है. और ये जो स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, जर्नली जो बाथिंग सोप्स, वॉशिंग सोप्स, कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने के लिए यूज़ की जाती है. जबकि मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप जो पूरी टोटल हिट्रोजीनियस मार्केट है उसे आप होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर की नीड को, जो पर्टिकुलर सेगमेंट का कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट डिफरेंशिएशन में डिफरेंस हम करेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस में नज़र आता है दैट इज़ कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग डिमांड को बेंड किया जा रहा है, जबकि जो मार्केट सेगमेंटेशन है इसमें जो सप्लाई है उसको बेंड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिमांड. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में डिमांड इज बेंडेड अकॉर्डिंग टू सप्लाई, जबकि मार्केट सेगमेंटेशन में सप्लाई इज बेंडेड अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई करेंगे. जबकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आप जो कस्टमर है उसकी डिमांड को चेंज करते हो. तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की. ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है और जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो ताकि एक्यूट कंपटीशन जो है राइवल सेलर से उसे अवॉइड कर सको, जबकि मार्केट सेगमेंटेशन आप अपनाते हो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो कंसंट्रेट करती है लार्ज मार्केट पे और जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कंसंट्रेट करती है पर्टिकुलर सेगमेंट पे, तो लिमिटेड मार्केट की नीड्स पे वो कंसंट्रेट करती है. जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ डिमांड बेंड की जाती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई और मार्केट सेगमेंटेशन में सप्लाई को आप बेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जो टोटल मार्केट है उसे आप एक कंप्लीट मार्केट मानते हैं, कंप्लीट यूनिट मानते हैं और एक सिंगल मार्केटिंग प्रोग्राम आपका होता है, जबकि मार्केट सेगमेंटेशन में हर एक जो सेपरेट सेगमेंट है उसे आप सेपरेट मार्केट मानते हैं और उसके लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम होता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर जो प्रोडक्ट लाइन है वो लिमिटेड है क्योंकि एक्चुअल कोई डिफरेंस प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वेयर एज मार्केट सेगमेंटेशन में जो प्रोडक्ट लाइन है उसे आप एक्सटेंड कर देते हो ताकि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसे मैन्युफैक्चर किया जा सके टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स. जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये
बर्थ देता है एक्सटेंसिव मार्केट को जिसे आप सर्व करते हो। और मार्केट सेगमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लिमिटेड मार्केट है उसी की सारी नेसेसिटीज को फुलफिल किया जाए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में जो मार्केट है उसे होमोजीनियस ट्रीट किया जाता है, जबकि मार्केट सेगमेंटेशन के केस में मार्केट जो है उसे हिट्रोजीनियस आप ट्रीट करते हो। देन इन दोनों स्ट्रैटेजीज में से जो मैन्युफैक्चरर है वो चूज कर सकता है, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको चूज करता है, जैसे साइज ऑफ मार्केट क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर रिस्पांस कैसा है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्राइस डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, नंबर और टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।